चलिए आंटी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो गया रेडी भैया? रेडी? हाँ रेडी है। मृदुल भैया थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। और दोबारा जब तक आओगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नेक्स्ट टाइम आप आओ। डेफिनेटली जब तक, जब कभी इन फ्यूचर आए तो जरूर आएंगे आपके। बाय बाय। तो भाई यहाँ से चलने का टाइम आ गया है तो चलते हैं अब। बैठो दिलीप के पास। ट्रिपल सवारी कर रहे गाया आप लोग ना करना। गलत है। यहाँ पे आओ, आओ यहाँ, यहाँ आओ, आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आओ। चलो बाइक चलाते हैं हम लोग, आ जाओ इधर, आ जाओ आप इधर आओ, हम लोग बाइक चलाएंगे, आ जाओ। ये रेडी रेडी हो गया बाइक चलाने के लिए, चलें बाइक चलाएं। हाँ हिंदी नहीं समझा मैंने। ये घूम घूम के जा रहा है। तो गाइस फिर से एक बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं तामुल, तामुल नहीं बोल रही आपको खाना है इनको ऐसे। तो गाइस तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो असमीज तामुल, तामुल बोलते हैं उसको, फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं। मेहमान नवाजी इसी को बोलते हैं। लेट्स ट्राई। यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या है ये, क्या है, क्या है बताओ, की होय की होय की होय। बताओ बताओ नहीं खाना। शर्मा रहा है बहुत ज्यादा। असम आए और पान नहीं खाया तो आपने लगभग लगभग कुछ भी नहीं खाया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने दो ही बार ट्राई किया था, एक आने के टाइम पे भैया ने खिलवाया था, एक अभी, अच्छा लगा तामुल। तो गाइस जाने से पहले हम लोग आए हुए हैं यहाँ के एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर, मैं बोल सकता हूँ असम के बहुत ही बड़े यूट्यूबर, जिसका नाम है आदि एम्पायर। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये है इनका यूट्यूब चैनल आदिज एम्पायर, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं भैया के साथ कुछ कोलैब करने के लिए आया हूँ, थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सा भैया से टिप्स लेंगे। तो ये भैया दिलीप भैया हैं। हेलो दिलीप भैया, मुंह धो रहा था यार, मुंह धो रहा था। कोई नहीं, हेलो गाइस। तो ये हैं दिलीप भैया, इन्हीं के बारे में मैं आपको भी बता रहा था। तो अभी इन्हीं के साथ यहाँ बैठेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा भैया से टिप्स लेंगे। ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस इसी के लिए आए हूँ भैया, थोड़ा टिप्स मिल जाए बस आपसे। चलो कुछ नहीं, सब दूंगा गाइस, सपोर्ट करो यार इसको, आगे बढ़ाओ सुभाष को। बहुत अच्छा बात बोला आपने। ठीक है, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में घुस चुके हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आकर के आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? चाहूंगा, हमारे बीच में अक्सर ऐसा इंसिडेंट होता है गाइस जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कुछ हो जाता है वहाँ पर। आपको भी शायद ऐसा कभी आपको सुनने में आया हो या कुछ हो। बहुत सारे लोग जब हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके बाहर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मुलाकात हो गई दिलीप भैया से,
थैंक यू सो मच दिलीप भैया आपका टाइम देने के लिए। अरे कुछ नहीं, क्या का टाइम यार, मजा आया। थैंक यू सो मच, आपके साथ इतना अच्छा टाइम बिताता हूं। आपका समय भी बहुत अच्छा जाए नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, और जाएगा ये मुझे पता है, नॉर्थ ईस्ट इज ऑसम प्लेस। हाँ, कभी कभी कुछ हो सकता है, रास्ता कहीं आपको मकान ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक, उसके लिए तो आए हैं, क्या बोलते हैं, मैड माइंड करके आए हुए हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसे भी ट्रैवलर्स हमेशा जब भी निकलते हैं तो अपना लेकर के निकलते हैं, अपना सब बोरिया वस्त्र लेके सब जाते हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच आपको टाइम देने के लिए। अगर फिर कभी आए तो आपसे जरूर मिलेंगे। सुभाष बाय, थैंक यू, बाय बाय। चले भैया बैठे। फिर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अरुणाचल प्रदेश। गाइस, हम पहुंच गए हैं अरुणाचल और असम के बॉर्डर में, और भैया ने हमें यहां पे छोड़ दिया है, जो मृदुल भैया हैं। थैंक यू सो मच भैया, आपको इतना दूर आने के लिए, छोड़ने के लिए, और आपका भी भैया थैंक यू सो मच। और आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, बस ऐसे ही हैं। आप भी कुछ बोल लिया करो, मतलब रिचार्ज करवाना पड़ता है लगता है इनको, तभी वो कुछ बोलते हैं। तभी पास देखते हैं कि पास कहाँ से मिलेगा, इनर लाइन परमिट, उसके बाद फिर अरुणाचल हम लोग अंदर चले जाएंगे। गाइज, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो, ये है ऑफिस इनर लाइन परमिट का। तो मैं अभी भैया जो हैं मृदुल भैया वो साथ में खड़े हैं, और मैं ले रहा हूँ अभी इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश के लिए, जिसका अभी तक पता नहीं पैसे कितने लेंगे। हर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे वोटर कार्ड भी दे सकते हो, और आधार कार्ड भी दे सकते हो, और दो फोटो। जितने पैसे लगते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक मेरे को चार्ज किए नहीं, पर मुझे लगता है कि 150 या 200 के बीच में होगा। और ये जो पास बन रहा है ये टेम्प्ररी बन रहा है, जो कि हमें 15 दिन के लिए मिलेगा। तो 15 दिन इनफ है मेरे लिए अरुणाचल घूमने का। ये जो रूट है, रूट मैं आपको बता देता हूँ। कोहपुर से ईटानगर की तरफ आप आओगे तो ये एक बॉर्डर है जहाँ पे चेक होते हैं, तो उसके बगल में ही आप यहाँ पे इनर लाइन परमिट ले सकते हो। तो गाइज, हमें इनर लाइन परमिट मिल गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में हमारा इनर लाइन परमिट हमारे हाथ में है। और इसका जो चार्ज लगा है वो लगा है 170 इंडियन रुपीज़। तो अभी भैया सबको फाइनल बाय करने का टाइम आ गया है। तो भैया कुछ आखिरी में कुछ आप बोलना चाहेंगे? चलो भाई, हमारे पता नहीं हमारे यहाँ पे आके आपको कैसा लगा, लेकिन आप इतने दूर से दिल्ली से आए हुए हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप आते रहिए, मोस्ट वेलकम। आप एक बार नहीं 100 बार आओ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि सब्सक्राइब, ये चैनल जो कोई भी देखे, इस चैनल को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का जो बटन है वो प्लीज़ एक बार तो दबाएँ। थैंक यू भैया, आपने बहुत कुछ किया। मैं ये लगभग मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं ये भूलूँगा नहीं, लाइफ टाइम के लिए मेरा एक एक्सपीरियंस बन गया है। लाइफ टाइम के लिए मेरा एक एक्सपीरियंस है, और मैंने ये उम्मीद भी नहीं किया था कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये किसके कारण हुआ है? भैया के कारण, मृदुल भैया के कारण। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया किधर गए हैं, आप कहाँ पे हो? थैंक यू सो मच भैया, आपका भी हैप्पी जाने। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है भाई, ठीक है, आप टेंशन ना लो, जाना कोई दिक्कत हो फिर कॉल करो। आपको प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप आराम से जा सकते हो, आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हो, कोई ना कोई तो आपको हेल्प करने वाला आ ही जाएगा। बस उसी उम्मीद में निकले हुए हैं कि अच्छे लोग मिलेंगे, चलते चलते अच्छे लोग कांटेक्ट में रहूंगा, कॉल करो, ठीक आप लोग सके तो कोशिश करूंगा, मतलब डेफिनेटली। थैंक यू, अरे जितना किए ना वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, सच बताऊं तो। थैंक यू सो मच भैया आपका बहुत। तो गाइज, हम अभी अंदर आ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के, वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ जो हिली एरिया है वो स्टार्ट हो गया है, हिल का ये पहाड़ मुझे दिख रहे हैं आगे, हिली एरिया स्टार्ट। तो आप लोगों का स्वागत है अरुणाचल प्रदेश में। गाड़ी की संख्या यहाँ पे बहुत कम है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हिच हाइक करना टफ होगा।
थोड़ा सा हार्ड होगा यहाँ पे हिच हाइक करना, क्योंकि गाड़ी जो जा रही है ना बहुत कम है यहाँ पे, गाड़ी जो जा रही है तो लिफ्ट पता नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत वेट करना पड़ेगा लिफ्ट लेने के लिए। तो लेट्स सी, कोई नहीं, इसके लिए भी हम रेडी हैं। तो आज से अरुणाचल प्रदेश एक्सप्लोर करना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मैं अंदर आ चुका हूँ, इनर लाइन परमिट ILP ले चुका हूँ। वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश वंस अगेन। फिर स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश की पहले हिचहाइक, देखते हैं कितनी देर में मिलती है। गाड़ी की संख्या बहुत कम है, जैसे पीछे भी आप देख रहे हो गाड़ी कोई भी नहीं आ रहा, आगे भी कोई नहीं आ रहा, तो आप देखते हैं कि कितना टाइम लगता है लिफ्ट मिलने में। गाड़ी तो आ रहे हैं, ऑटो में तो कोई जाने से रहे, गाड़ी बहुत कम है, चैलेंजिंग होने वाला है। नहीं रोके, अच्छा ये बाइक में देखते हैं कि कितनी देर बाद हमें लिफ्ट मिलता है। पहली लिफ्ट मिल गई है अरुणाचल प्रदेश में, हालोंग ईटानगर। तो भैया ने हमें, आप लोग कैमरा में आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई गलती चीज नहीं है भैया, आप यूट्यूब में मेरा चैनल आप सर्च करोगे तो आप भी देखने को मिल जाओगे। तो भैया आप हमें ईटानगर तक छोड़ देगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। थैंक यू सो मच भैया आपका लिफ्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो गाइज ऐसा कुछ है इलाका आसपास में आप देख रहे हो। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योवा राजेश। योवा राजेश भैया ने हमें लिफ्ट दिया है ईटानगर तक, हालोंग से ईटानगर तक भैया ने हमें लिफ्ट दिए है। आंटी आपका नाम? युवान्या। सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस करूँ तो, युवानिया ओके, तो युवानिया आंटी ने, आंटी बोल सकता हूँ मम्मी? हाँ जी। तो आंटी ने हमें लिफ्ट दिया है ईटानगर के लिए, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर होगा ना भैया? 20 किलोमीटर होगा ना। आप ये तवांग चला जाइए। तवांग, हाँ, और जीरो, हाँ उधर ही जाने का प्लान है मेरा। पर भैया है ना, हाँ पर भैया पता है मेरा क्या है? मेरा ये है कि हम बस में तो जा सकते हैं, गाड़ी में जा सकते हैं, पर ऐसे मेरा एक वो हो गया कि हम थोड़ा लिफ्ट ले लेके जाएंगे ना, तो जैसे आप लोगों से मिलेंगे दो चार बातें होंगी तो वो चीज अच्छा लगता है। बस में रहेंगे तो क्या होगा कि एक जगह बैठ के दूसरे जगह उतर गए, या गाड़ी में तो वैसे एक्सपीरियंस में मजा नहीं आएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा लिफ्ट ले लेके चल रहे हैं। तो एक बार फिर भैया थैंक यू आप लोगों का लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, मुसीबत को किसी का तकलीफ को, थैंक यू भैया, एक ये इंसानियत का काम है। अभी अरुणाचल के लिए, अरुणाचल में भी काफी सुधर गया आदमी, जो एजुकेटेड बन गया ना, पढ़ाई लिखाई हो गया, अभी काफी समझदारी बन गया है। ये तो आप सही बोलो, बस भैया उसी में निकल गए हैं कि अच्छे अच्छे लोग मिलते जाएंगे। हाँ, थोड़े थोड़े दम आधे आधे दूर तक छोड़ देंगे। यहाँ उत्तर डिस्ट्रिक्ट है, तेजिन डिस्ट्रिक्ट है, तेजू, बोमदेला, तोवा, डोबर सुबनसिरी, और बहुत है जो डैन है, जो पश्चिम खुला है, कतर खुला है। अच्छा, वो आजकल बहुत समझदारी हो गया, इसीलिए तो घूमने के लिए आए, नया एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने के लिए आए। शौक से लीजिए, आपको अच्छे अच्छे इंसान मिलना चाहता है तो आप चौकम चला जाइए, चौकम नामसाई, नामसाई चला जाइए, वहाँ सबसे बड़े बड़े आदमी है, पैसा वाले है, धन दौलत वाले है, सब है वहाँ। मेरा तो प्लान है कि पूरा घूमेंगे, उसके बाद चाइना बॉर्डर तक जाने की कोशिश करेंगे। आप तक्षिण चला जाइए, वही उसी का प्लान में आए हुए तो आता ही है। हाँ। से सबसे आता है वो, खास करके आप मेन टारगेट तुम्हारा अच्छा काम जीता है ना, बोला है ना वो ना। अब लता मंगेशकर हो गया, संतोष आनंद हो गया, उन लोग जैसा गान तो नियम से बना नहीं सकेगा होगा मेरा ख्याल से। अब हम दोनों का बड़ा युद्ध हो गया। हाँ
चलिए अंकल, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू आपको छोड़ने के लिए इतना दूर से, बाय बाय। दिन की पहली लिफ्ट मिल गई, जो अंकल आंटी थे उन्होंने मुझे ईटानगर तक छोड़ दिया है। अभी मैं ईटानगर में ही हूँ, थोड़ा सा पहले हूँ। अंकल आंटी को अपनी गाड़ी को धुलवाना था तो वो वहीं पे रुक गए, और जो अंकल थे वो अरुणाचल पुलिस में थे तो उनसे बहुत अच्छी तरह बात हुई। हेलो उनसे बहुत अच्छी तरह बात हुई। तभी आ गए हैं ईटानगर, और टाइम बताऊं तो 4 बजने वाले हैं। तब देखते हैं, आज रात यहीं पे रुकेंगे कहीं पे, देखते हैं रुकने का क्या बंदोबस्त होता है। तो गाइस, हमें भैया ने लिफ्ट दिया है। भैया आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धारगर इदम। भैया ने हमें लिफ्ट दिए हैं, तो भैया आप कितने, 1-2 किलोमीटर आप छोड़ दोगे हमें? हाँ तो भैया हमें 1-2 किलोमीटर आगे छोड़ दें। मैं भैया का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि भैया ने अपने आप रोका और मेरी मदद की, तो थैंक यू सो मच भैया आपके लिए। वेलकम। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ग्रीटिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं, वार्म हेल्पफुल वाले हैं। थैंक यू सो मच भैया आपको लिफ्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। हर एक सही जवाब पर 6 रन मिलेंगे। 3 सवाल पूछूंगा वाराणसी और नागपुर से कुल मिला के। मेरा नाम है अभिलाष, मैं हूँ मुंबई। मैं अभी हूँ ईटानगर के रेलवे स्टेशन पे, जैसा आप ये ऊपर में देख रहे हो, मैं अभी ईटानगर के रेलवे स्टेशन में हूँ। और मैंने सोचा कि पहला दिन है अरुणाचल प्रदेश में, और आप लोगों को पता है कि मुझे होटल लेना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रेलवे स्टेशन ही चला जाए, क्योंकि उससे रेलवे स्टेशन से सेफ जगह और कहीं हो भी नहीं सकती। तो मेरा जो आज रात का जो डेस्टिनेशन है वो है रेलवे स्टेशन। अगर कुछ होता है तो कहीं और देखेंगे आगे टेंट लगाने के लिए, नहीं तो आज का जो मेरा बसेरा होगा वो है ईटानगर का रेलवे स्टेशन। तो हमें रात को रुकने के लिए जगह मिल गया है रेलवे स्टेशन में, ईटानगर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। मैं यहाँ पे जो भैया थे पुलिस भैया, उनसे मैंने बात करी कि भैया कोई पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे रात में रुक सकूँ, तो भैया ने बोला क्यों नहीं। फिर मैंने अपने बारे में बताया तो भैया ने सब्सक्राइब भी कर लिया। तो ये है भाई जो 2nd क्लास का जो वेटिंग रूम है, ये यहाँ है, ये है मेरा आज रात का ठिकाना। तो अभी मैं कुछ एडिटिंग करने वाला हूँ, और नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है तो अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो अभी कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे इधर साइड में वॉशरूम भी है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मेरा जो आई कार्ड है उनकी फ़ोटो ले ली है, तो इतना तो बनता ही है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे सुबह।